का हमारे लोग हम जाएंगे तो पार्लियामेंट पे जाएंगे और उन पार्कों की करेंगे जुताई, उसमें बोएंगे गेहूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने तो यही कहा था कि पार्क जो खाली पड़े हैं इसमें गेहूँ की बुआई करो। भाई साहब आपने कहा है कि सरकार की नाक फोड़ देंगे, ये जरूरत क्यों पड़ी आपके कल? अरे सरकार मान थोड़ा रही, मान नहीं रही सरकार भाई बहुत। कृषि मंत्री ने ये भी कहा है कि भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और नहीं होते भाई मत करो, हम आंदोलन तो करेंगे ना, हम तो भीड़ जुटाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, किसानों को बताएंगे सरकार नहीं मान रही। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपने कहा कि यदि फसलें जला देंगे हम, यदि ऐसा करते हैं तो अन्नदाता को खुद को नुकसान होगा, ऐसे सरकार ये गांव के लोगों ने कहा था कि एक फसल की हम कुर्बानी देंगे, और ये हमने वहाँ पे कहा था कि एक फसल की कुर्बानी के लिए किसान तैयार रहे, उसको जलाने के लिए अभी नहीं कहा, ना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा, जिस तरह से किसान वे कर रहे हैं तो उन्हें रोका कि अभी ये टाइम नहीं है। और वो लगता है कि जिस तरह से सरकार कह रही है ये कि किसान फसल काटने जाएगा तो ये यहाँ से आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, तो ये गलत बयानबाजी सरकार ने पहल करी है, तो सरकार को नहीं करनी चाहिए पहल इस तरह से। किसान के सम्मान से खिलवाड़ मत करो आप, अगर आप उसको छेड़खानी करोगे कि आप फसलों के टाइम पे गांव चले जाओगे तो उजाड़ देगा पूरे उसको, ये सरकार की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। पहले माओवादी, फिर खालिस्तानी, और अब जाट लैंड के जाटों का नहीं भाई, हम तो जातियों का नाम लेते नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन हमारा पता है कि किस जाति का है, हमें नहीं पता। लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना कि किसी जाति को और उसको टारगेट करके और आप देश के किसानों को बांटना चाहते हो, ये देश का किसान नहीं बटेगा। एक नई बिरादरी जात होगी, उसका नाम है किसान। राकेश जी, आप मोदी जी ने संसद में कहा था वैसे ही भकड़ने का करे काम, वैसे ही करूँ जा भकड़ने का काम। मतलब जो लखा सिंह के ऊपर जो उनने करा, मतलब हम पिछले 35-30 साल से 40 साल से लोग कह रहे हैं कि भाई हम पार्लियामेंट पर जाएंगे, कोई पार्लियामेंट पर कभी गया? कोई पार्लियामेंट पर गया कभी? एक आदमी ने शाम को उससे घोषणा करवा दी 7 बजे कि मैं सुबह लाल किले पर झंडा लगाऊंगा, और वो सुबह ही 9 बजे लाल किले की चोटी पर बैठा मिला।